चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। क्लासेस रिकॉर्डेड है, मैंने अभी एक क्लास 7 से लेकर 8 के बीच में लिया है, ये रिकॉर्ड हुई है क्लासेस। इसकी वीडियो मैं अभी अपलोड करके आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। और अब समय हो रहा है इस समय 8:30, ये भी क्लास की जो है वीडियो अपलोड होगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही वॉइस को लेकर। हाँ जी बताइए। हाँ बात कर रहे हैं सर, अभी बात करेंगे। तो ये जो है वीडियोज़ आप चाहो तो बाद में भी देख सकते हो। और ये जो आप पेपर देख रहे हैं, दिसंबर 2006 का समाजकारी का प्रश्न पत्र है। इसमें मैंने 36 तक के प्रश्नों पर विचार विमर्श आप लोगों से कर चुका हूँ। अब हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2006 का क्वेश्चन नंबर 37 और आज का पहला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के कार्य का अनिवार्यतः तिरस्कार किए, ध्यान दीजिएगा, तिरस्कार किए बिना एक मानव मात्र के रूप में उसके सकारात्मक गुणों को मान्यता प्रदान करने को हम क्या कहेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों यूज किया गया है। किसी व्यक्ति के कार्य जो है अनिवार्यता के रूप में तिरस्कार किए बिना उसको तिरस्कार किए बिना एक मानव मात्र के रूप में, जैसा है वैसे के रूप में, उसके सकारात्मक गुणों का मान्यता प्रदान करके उसको हम क्या नाम देंगे। अच्छा, आप यहाँ पे बह रहे हैं स्वीकारोक्ति। स्वीकारोक्ति का मत, अच्छा, स्वीकरण। ओके, सही जवाब यहाँ पे आप लोगों का जो आया है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सेप्टेंस। इसी को हम लोग अनुमोदन कहते हैं या स्वीकरण भी कहते हैं या स्वीकृति भी कहते हैं। जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो सी आपके सामने है, ये एडमिशन है। इसका मतलब कि जो स्वीकारोक्ति होता है, किसी को प्रवेश करने के लिए स्वीकार करने की जो क्रिया होती है उसे हम एडमिशन का नाम देते हैं। एक अनुमोदन होता है, अनुमोदन भी इसी को कहा जाता है स्वीकरण को ही, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में अप्रूवल लिखा हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि किसी के मत या कार्य पर आप जब सहमति प्रकट करते हैं तो वह अप्रूवल होता है, वह अनुमोदन होता है। जब आप प्रस्वीकरण की बात करते हैं, जिसको आप लोग जो है रिकोग्रेशन कहते हैं, रिकोग्रेशन का मतलब होता है मान्यता, अभिज्ञान। जब किसी उपलब्धि की मान्यता के रूप में सामान्य बाध्यताओं के बिना सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं तो उसको रिकोग्रेशन कहते हैं, अभिज्ञात कहते हैं या प्रस्वीकरण कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा, बी करेक्ट है। आप लोगों ने जवाब भी दिया है बी और सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शोध में द्वितीयक आंकड़ा नहीं है। सवाल, आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से होते हैं। जरा एक बार अपना जवाब बताइए, फिर मैं बताता हूं। बताइए, ओके, उत्तर देने वाले ऑप्शन सी की तरफ आपने झुकाव किया है और ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब है। बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। समाजकारी के शोध में ना दो टाइप के आंकड़े होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक के अंतर्गत प्रत्यक्ष अवलोकन आता है, प्रश्नावली आती है, अनुसूची आता है, साक्षात्कार आता है, वैयक्तिक अध्ययन आता है, प्रक्षेपी विधि आती है, समाज मिति विधि आती है। ये सब पार्ट प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं द्वितीयक के बारे में, द्वितीयक जो होता है दो भागों में होता है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आता है व्यक्तिगत प्रलेख,
व्यक्तिगत प्रलेख और एक होता है आपका सार्वजनिक प्रलेख। जो व्यक्तिगत प्रलेख होता है उसमें जीवन इतिहास आता है, उसमें आत्मकथा आती है, डायरी आता है, पत्र आता है, संस्मरण आता है, ये व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं। जब हम बात करते हैं सार्वजनिक प्रलेख के बारे में तो उसमें रिकॉर्ड आता है, रिपोर्ट आती है, सांख्यिकी आंकड़े आते हैं, अन्य सामग्री भी इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे वेबसाइट। प्रश्न था हमारे सामने कि उत्तर देने वाला संग्रह सूचना की बात अगर मैं करता हूं तो यह आपका प्राथमिक आंकड़े का पार्ट बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट रहेगा सी, ये द्वितीय आंकड़े नहीं है। ठीक है, ये द्वितीय आंकड़ा नहीं है। जी सर, ओके ओके। प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन, प्रक्षेपी और एक आता है समाजमिति। क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी किस स्थान पर अवस्थित है? जवाब आप लोग बताइए। दिव्यांगता के एजेंसियां, आपने नाम सुना होगा, मैंने आप लोगों से कई बार इसके बारे में जिक्र भी कर रखा हूं कि दिव्यांगता के फील्ड में वो कौन कौन सी एजेंसियां हैं। तो एजेंसियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं पेपर में, एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। ठीक है, तो प्रश्न अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से जिक्र करूँ दिव्यांगता, तो आप क्या जवाब देना उचित समझेंगे यहाँ पे? ओके, हैदराबाद आप यहाँ पे, ओके, दिल्ली। यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 का, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट जवाब रहेगा, चेन्नई। 2005 में इसको स्थापित किया गया था। नहीं, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तो मुंबई हमारे सामने है। मुंबई बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अलियावर जंग सरबण बाधित राष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना 1983 में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली में, तो इंडिया ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट जवाब है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब है। क्लियर? बताइए अभी भी डाउट हो रहा है क्या आप लोगों के? ओके ओके, ठीक है। अब दिल्ली का जो है वो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है 2015 का, और एक दिल्ली में और है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था। और हैदराबाद में जो है आपका राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है देहरादून में, और ये इसकी स्थापना 1979 में हुआ था।
देहरादून का आपको ध्यान रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटी। क्लियर? बताते चलिएगा आप सभी लोग, अगर स्पष्ट हो रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कौन सा बोलो? यही हैदराबाद का। हाँ लिखिए, देहरादून का। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटी और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन संस्थान देहरादून 1979 आता है आपका। दिल्ली का दो है, इंडियन साइन लैंग्वेज 2015 का, जिसको इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं आप। एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकली डिसेबल, ये 1976 का है और मुंबई का सबसे पुराना। अली आवाज जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी है, 1983 का है। और चेन्नई आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, 2005 का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये एजेंसियों से लेकर सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से पेपर में। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको उसके बारे में बता दिया है। क्लियर है तो बताइए, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आगे। निम्नलिखित में से क्या एक गैर सरकारी संगठन का उद्देश्य नहीं हो सकता है? हाँ, मुनाफा कमाना। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो आया है वो करेक्ट माना जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए, गैर सरकारी संगठन का उद्देश्य होता है क्षमता का निर्माण करना, साक्षरता का प्रसार करना, जागरूकता का निर्माण करना, लेकिन मुनाफा कमाना नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। और ये कहने की बात है, है ना, लोग आज के समय में ऐसे इस चीज़ों पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, स्वयं के हित के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संबंधी सक्रियवादी नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है। अब मेरी बात को सुनिए, आप लोग म्यूट हो जाइए। यहाँ आप लोगों के जो विचार आए हैं, सभी लोगों के विचार जो है एमएस गोरे की तरफ आए हैं, और एमएस गोरे ही यहाँ पर करेक्ट जवाब हैं, क्योंकि इन्होंने सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट करके एक किताब लिखा था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न है कि पर्यावरण संबंधी सक्रियवादी नहीं है, तो एमएस गोरे नहीं है, लेकिन पर्यावरणीय संबंधी सक्रियवादी में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है चिपको आंदोलन में, और मेघा पाटिकर का नाम आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो 1989 में शुरू किया गया था, और वंदना शिवा की बात करते हैं तो नौदान्या आंदोलन है जैविक कृषि उर्वरक बीज दिल्ली में सन 1982 में चलाया गया था, और 1984 में यह आंदोलन जो है एनजीओ में बदल गया। किसमें बदल गया? एनजीओ में बदल गया। कब बदला? 1984 में। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। हाँ, वंदना शिवा ये सक्रिय पर्यावरणीय संबंधित एक आंदोलन करता है। इनका आंदोलन का जो नाम था, उस आंदोलन को बोला गया नौदान्या आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था जैविक कृषि, उर्वरक और बीज।
यह आंदोलन दिल्ली में चलाया गया था, सन 1982 में चलाया गया था। यही आंदोलन 2 साल बाद 1984 में एक एनजीओ में कन्वर्ट हो गया। अब यह एनजीओ के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाज के कार्य का तकनीक नहीं है? जब आप बताइए आप लोग के सामने। अब बिल्कुल बिल्कुल, अवलोकन कहाँ से होगा? अवलोकन टेक्निक तो है, टेक्निक पूछा था मैडम। समाज व्यक्तिक कार्य के अंतर्गत, केस वर्क के अंतर्गत अवलोकन भी आता है, साक्षात्कार भी आता है, सलाहकारी भी आती है, पैरवी भी आता है, आश्वासन भी आता है, सालंबन भी आता है, है ना? ये सारी चीजें आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें जो लोबिंग शब्द दिया है, अभी अभी आप लोगों ने बात भी किया था कि सरकार के निर्णय को प्रभावित करने में कोई प्रयास, जहां निजी हित समूहों के द्वारा बात हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन पर लॉबिंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। पूछा था नहीं, तो ऑप्शन डी ही नहीं बता रहा है, बाकी सारे एस में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। किसी एक सेवार्थी के साथ एक के लिए एक के आधार पर कार्य करने से जो संबंध स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब बताइए आप। इसमें आप सभी लोगों ने बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए सवाल सिंपल सा है, सवाल को समझिए। सवाल कहता है कि किसी एक सेवार्थी, अब आपको पता है, आप लोग जानते भी हैं इसके संबंध में, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सेवार्थी के साथ एक के लिए एक के आधार पर, एक के लिए एक के आधार पर कार्य करने से जो संबंध स्थापित होता है, वह सेवार्थी की मनोसामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सो उद्देश्य तरीका होता है, है ना? सो उद्देश्य तरीका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब होगा। मैत्रीपूर्ण सहचर्य को अगर हम बात करते हैं, मैत्रीपूर्ण एक मित्रता जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, सहचर्य एक एसोसिएट को रिलेट करता है, एक दूसरे के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए। अनुबंधन एक चीज, सट्टा, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने एक नाम सुना होगा अनुबंधन, अनुबंधन जैसे मैंने कहा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो जो अनुबंधन का अर्थ होता है वो सटा हुआ होता है। अब सटा किस परिप्रेक्ष्य में, कि कोई कॉन्सेप्ट, जैसे मैं वहां पर सिखा रहा था, इवान पैट्रिक पावलाव का मैं ले रहा हूँ थ्योरी, अनुबंधन का सिद्धांत ले रहा हूँ, तो उसके सिद्धांत में जो धारणाएं होती हैं वो छिपी हुई होती हैं, तो उस परिपेक्ष में उसको सटा हुआ बोला जाता है, है ना? उसको सटा हुआ, सॉरी, तो उसको सटा हुआ बोला जाता है, इसलिए उसको अनुबंधन के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सेवार्थी की सहानुभूत पूर्ण समझ, बात सही है कि अच्छा, ये सोशल वर्कर के अंतर्गत और क्लाइंट के अंतर्गत दोनों प्रक्रियाएं ये संचालित होनी चाहिए, परंतु प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि किसी को दुख जैसा दुख है वैसा दुख जैसा समझना, प्रश्न ये है कि सेवार्थी के साथ एक के लिए एक के आधार पर कार्य करना, तो वो सहानुभूत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपका ना ही ए सही है, ना ही बी और ना ही डी, केवल और केवल ऑप्शन सी सही है आपका, ठीक है। आसान सा सवाल था, एक बच्चे ने मुझे मैत्रीपूर्ण सहचर्य बताया, इस वजह से मैंने इस प्रश्न की व्याख्या किया है, ये तो बहुत ही सरल जवाब था इसका।
बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में कल्याण राज्य का प्रधान आधार है। चार ऑप्शन आपके सामने। यहाँ आपने जो जवाब दिया है डी पी एस पी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर हम बात करें स्टेट पॉलिसी है ये, तो राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कल्याण राज्य की प्रधान के आधार या उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भारत में जिक्र किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट जवाब होगा। मौलिक अधिकार नहीं रिप्रेजेंट होता है, न्यायिक स्वतंत्रता भी नहीं रिप्रेजेंट होती है, लोक हित के मुकदमे भी नहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल कल्याण राज्य। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ अनुच्छेद 39 किस में आता है, डीपीएसपी में तो आता है। अनुच्छेद 39 लिखा होता तो शायद आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेते हैं, लेकिन टफ बनाना था इसलिए 39 को मेंशन नहीं किया गया, और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित लेखकों में से किसने सामाजिक समूहकारी के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया। बात ध्यान रखेंगे, प्रश्न ध्यान रखेंगे। ट्रेकर, सही जवाब। आपने जो यहाँ पर अपने विचार दिए हैं, ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो वो ऑप्शन आपका आता है सी, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि फ्लोरेंस होलिस ने सामाजिक वैयक्तिक कार्य में अपना जवाब दिया है, और इन्होंने कहा है कि सोशल केस वर्क द साइको सोशल थेरेपी है। ये बात फ्लोरेंस होलिस ने कहा है केस वर्क में। यहाँ तक कि वैयक्तिक समाजकारी को फ्लोरेंस होलिस ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसी अवधारणा के बारे में भी बताया है। फ्लोरेंस होलिस ने, आपने एक और नाम सुना होगा फ्लोरेंस होलिस का, पर्सन इन सिचुएशन, व्यक्ति की स्थिति के बारे में भी फ्लोरेंस होलिस की भूमिका आती है। तीन अवधारणाएं इंपॉर्टेंट है फ्लोरेंस होलिस से। जब बात हम लोग करते हैं मुर्रे जी रोस के बारे में, मुर्रे जी रोस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इनकी भूमिका आती है, साथ ही साथ इन्होंने स्थानीय विकास, सामुदायिक नियोजन और सामाजिक क्रिया जैसी कॉन्सेप्ट को लेकर सामुदायिक संगठन में मॉडल को बताया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ बात है रोथमैन की, सॉरी पर्लमैन की। पर्लमैन के बारे में बात अगर हम करें तो मैंने कल की क्लासेस में इनके बारे में कई कॉन्सेप्ट बता दिया था। सोशल केस वर्क में निदान के प्रकार पे बात करते हैं, सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं 1957 में, और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 P's के बारे में भी जिक्र करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में इनकी भूमिका हमें देखने को मिलती है HH पार्लियामेंट के। तो विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं जो है इनके द्वारा दी गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो वह आपका सी करेक्ट होगा। इन्होंने सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल करके एक किताब लिखा सन 1948 में। ठीक है, सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल। क्लियर? ओके, अगला सवाल। मानव व्यक्तित्व के बारे में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? शाबाश, चलिए ठीक है, किसी बच्चे ने यहाँ पे स्किनर का जवाब दे दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं उनको कि B.F. स्किनर, आपको ध्यान रखना है मैम, OCT ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय
अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। बीएफ स्किनर का नाम व्यवहार परिमार्जन में देखने को मिलता है, व्यवहार परिष्करण में मिलता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में नाम मिलता है। और बात करते हैं अगर हम लोग सिगमंड फ्रायड के बारे में, सिगमंड फ्रायड यहाँ पे करेक्ट जवाब होंगे। मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी सिगमंड फ्रायड की है, यहाँ ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। फ्रायड की तरह ही अचेतन के महत्व के बारे में अगर कोई बताया है तो कार्ल जुंग ने बताया है, ठीक है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की स्थापना अगर किसी ने किया है तो कार्ल जुंग ने किया है। कार्ल जुंग ने बहिर्मुखता, जी, कार्ल जुंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की है। और इन्होंने व्यक्तित्व के दो भागों में डिवाइड किया, एक का नाम रखा बहिर्मुखता और एक का नाम रखा अंतर्मुखता। किसी किसी किताब में कार्ल जुंग का तीसरा भी मिलता है, उभयमुखता भी, परंतु बहिर्मुखता अंतर्मुखता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अल्फ्रेड एडलर की बात करें, व्यक्तित्व के सिद्धांत में इनका नाम आता है। व्यक्ति में हीनता की भावना होती है, श्रेष्ठता के लिए प्रयास करता है, बचपन की हीनता की जो भावनाएं हैं उस पर बल देता है। यौन की भूमिकाओं को कम करना, जीवन की शैली के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करना, व्यक्तित्व के सिद्धांत को बताना, अल्फ्रेड एडलर की भूमिका देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इन पॉइंट को आपको समझना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा इस प्रश्न का वह सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, सोशल डायग्नोसिस नामक पुस्तक के लेखक का नाम। चलिए, आप सभी लोगों ने यहाँ पे जो जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गलत नहीं है आप सभी बच्चों का जवाब, ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा सी वाला ही, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। बात कर लेते हैं एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। ऑप्शन कहाँ है मैरी रिचमंड, ऑप्शन बी में है ना मैरी रिचमंड, तो ऑप्शन सी क्यों आप लोग बता रहे हैं मैरी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी मैरी रिचमंड है। अब मेरी बात को सुनिए, मुरजी रॉस का नाम आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने अभी भी पढ़ाया है आपको, थ्योरी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके किताब इन्होंने मेंशन किया था, और मॉडल के रूप में भी इनका नाम हमें देखने को मिल जाता है मुरजी रॉस के बारे में। बात करते हैं हम लोग फ्रेडलैंडर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। वाल्टर इंड्रास फ्रेडलैंडर कहते हैं कि समाजकार्य एक कला और विज्ञान दोनों है। समाजकारी को इन्होंने 6 प्रणालियों को तो दिया, लेकिन 2 पद्धतियों में डिवाइड करके दिया, प्राथमिक प्रणाली या प्राथमिक पद्धति या द्वितीयक पद्धति, या द्वितीयक पद्धति को सहायक पद्धति के नाम से भी जानी गई। फ्रेडलैंडर की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक रही, वो बुक रही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क। फ्रेडलैंडर की कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क काफ़ी फेमस किताब रही है, इस किताब से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। एक किताब अगर हम बात करें हेलन पार्लियामेंट के बारे में, हेलन पार्लियामेंट के बारे में समस्या समाधान का उपागम है, ये मैंने आप लोगों से कई बार भी इसके बारे में, सोशल केस वर्क में इनका नाम आता है, तो मैंने कई बार इनके बारे में बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक अगला सवाल लेंगे, लोगों की आवश्यकताएं आरोह क्रम में सामने आती हैं। अच्छा 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 समझ में आ गया, लोगों की आवश्यकताएं जो है आरोही क्रम में सामने आती हैं, यह विचार किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैस्लो का नाम आना चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा,
मैंने आपसे भी हाल ही में 1954 में एक किताब के बारे में जिक्र किया था, जहाँ पे मोटिवेशन करके किताब पर इन्होंने जिक्र किया और एक पिरामिड इन्होंने मेंशन किया। तो मोटिवेशन के साथ साथ पर्सनालिटी जैसे किताबों पर जिक्र करने वाले पर्सन हैं ये अब्राहम मैस्लो, और डायनेमिक थ्योरी एंड ह्यूमन मोटिवेशन करके किताब आई, वो किताब आई 1943 में अब्राहम मैस्लो की, और मैस्लो ने पिरामिड के माध्यम से इन्होंने इस सिद्धांत को बताया, जैसे कि मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा आप लोगों को। पहला जो स्टेप था वो बेसिकली शारीरिक था, साइकोफिजिकल की बात की गई, तो मनोशारीरिक जैसी क्रियाविधि संचालित होती है पहले स्टेप में। दूसरे में इन्होंने बताया कि सुरक्षात्मक यानी शक्ति के सिद्धांत को। तीसरा इन्होंने जिक्र किया जैसे अगर हम बात करें स्नेह को, लव को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, और साथ ही साथ सामाजिक जैसे शब्दों को भी इसने इसमें थर्ड पॉइंट में डाला। फोर्थ में इन्होंने जिक्र किया इस्टीम सम्मान को लेकर, और फिफ्थ में इन्होंने जिक्र किया सेल्फ एक्चुलाइजेशन को लेकर। तो यही आरोही क्रम है, यही आरोही क्रम है, इस तरीके को बताने को कहा जाता है आरोही क्रम में सामने हमें देखने को मिला, और यह ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। सेकंड पॉइंट में सर आपका आता है सेफ्टी सुरक्षात्मक। नीचे के जो तीन हैं इसको अभाव भी कहा जाता है और निम्न भी बोला जाता है, ऊपर के जो दो हैं उसको उच्च का नाम दिया जाता है उच्च, ठीक है। अच्छा, सिगमंड फ्रायड के बारे में पता ही है, कार्ल जंग के बारे में पता है, जे बी वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। इनका एक बच्चा था, उसका नाम था अल्बर्ट जे बी वाटसन का, 11 महीने का बच्चा था वो, 11 माह का। उसी बच्चे पर इन्होंने खरगोश पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट, यानी जो है एक थ्योरी दिया था, और उस थ्योरी का नाम रखा था व्यवहारवाद का सिद्धांत। डरावनी आवाज निकालता था। किसने कहा है कि बच्चा कोरा कागज होता है, आप जैसा देंगे मैं उस जैसा आप कहेंगे मैं वैसा आपको बना दूंगा, उस बच्चे को बना दूंगा, यह कथन किस व्यक्ति का है बताइए? जे बी वाटसन का स्टेटमेंट है ना, बच्चा एक कोरा कागज होता है, अभिभावक जिस तरीके से कहेंगे बच्चे को बनाने के लिए उस तरीके से बना देंगे, ये जे बी वाटसन उनका कहना था। ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, मीन मोड मीडियन निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पे, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एक एकल इकाई के रूप में विचाराधीन एक परिवार के सदस्यों के बीच व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किए गए हस्तक्षेप को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उपचार होता है, एक एकल इकाई पूछा है, और एकल इकाई का मतलब ये होता है कि हम केस वर्क पर ही बात करेंगे, और परिवार के सदस्यों के बीच अगर बात हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप वर्क हो रहा है, ये केस वर्क का ही पार्ट है ना, केस वर्क का ही पार्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आपका जो है 2000
छः का प्रश्न पत्र जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है, आपका जो है प्रश्न पत्र यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। हाँ, अगर अब आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे डाउट पूछिए, मैं आपके डाउट को यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। अभी पेपर आपका समाप्त हो गया, अभी मैं आपको एक दो तीन बातें बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कल से आप सब की जो क्लासेस हैं अपने नियमित समय पर जैसे चलती हैं, जैसे 7 से 8 चलेगी एक क्लास, यहाँ कल हम लोग यूके प्लस में यूएसए के बारे में और इंडिया के बारे में हिस्ट्री को देखेंगे कल की क्लास में 7 to 8 वाले में, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 8:30 वाली क्लास में है ना, भारत ने कौन कौन सी जो हैं योजनाएं नीतियां वगैरह बनाई हैं, भारत में बनाई गई हैं सरकारी गवर्नमेंट वाली सर्विसेज, कौन कौन सी सेवाएं हैं, उन पर बात करेंगे 8:30 बजे वाली क्लास में, क्योंकि वो सर्विसेज थे। हाँ, कल उत्तराखंड की दूसरा यूनिट है तो सर्विसेज दूसरे यूनिट में दी गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भारत में जो सर्विसेज को लेकर प्रश्न पूछा जाता है ना, इसलिए आपको कल 8:30 वाली भी ये ज्वाइन करना। जो एक क्लास आपकी मॉर्निंग में होती है MPPSC वाले जो बच्चे हैं 6:30 AM पर, अब उनका चलेगा प्रैक्टिस, अब उनका प्रैक्टिस चलेगी, क्योंकि यूनिट थर्ड जो है फिनिश हो चुका है आज, है ना, तो अब उनकी जो है प्रैक्टिस रहेगी और क्लास समय पर रहेगा कल आप लोगों का। और जैसे ही क्लास के पहले ही मैं आप लोगों को PDF भी भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर जो बच्चे ज्वाइन नहीं हैं वो लोग मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करके भेजें, हाय लिखें और अपना नाम लिख दीजिए, और उसके बाद आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UGC में कर रहे हैं तब भी मैं समझ पाऊंगा कि UGC में आपको जोड़ना है मुझे, तो आप UGC लिखें, मैं फिर आपको नाम जो है UGC वाले ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा। आप अगर उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड वाला करिएगा, तब मैं आपको उत्तराखंड के ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा, अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो ऐसा करिए, ठीक है, आपको वहाँ पर कंटेंट मिलेंगे। देखो, वीडियो का प्लेलिस्ट, PDF, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर ही दी जाएंगी एक साथ में, और एक एक दिन की जो मिलती है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को एक एक दिन का मिलता रहेगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। और जो क्वेश्चन की मैंने पैटर्न बनाया है 2004 से लेकर 2011 तक का पार्ट एक है, 2012 से लेकर 2012 से लेकर 2020 तक का पार्ट दूसरा है, 2020 से लेकर 2021 तक का है ये, 2020 और 2021 दो ही पेपर हैं, ये पार्ट थ्री है, और 22-23 आपका पार्ट फोर है, ठीक है, पार्ट फोर है। और अभी एक और मैंने PDF बना दिया है, वो भी 200 क्वेश्चंस है, ठीक है, आरपीएससी का, ठीक है, 200 क्वेश्चन है आरपीएससी का, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसमें आरपीएससी में आपको नीचे आंसर मिल जाएंगे, अच्छा ऐसा नहीं कि UGC में नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, और ये इसके बारे में मैं कल आप लोगों से बात करूंगा, सॉल्व किया जाए या अनसॉल्व पेपर रखा जाए, ये आप ही लोगों के द्वारा बताए जाएंगे, है ना, आप ही लोगों के द्वारा बताए जाएंगे, ठीक है। शायद त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सर अनसॉल्व ही रखिए, है ना, त्रिपाठी जी हो, और भी बच्चे हैं, चलिए अच्छा, हाँ, और कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए, अब आज की क्लास यहीं पे रखेंगे क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, नहीं अभी आपका यूनिट अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, क्या क्या हुआ है UGC नेट में, समाजकार्य की बेसिक अवधारणा, परिभाषा, क्षेत्र हो चुका है, प्रक्रिया, लक्ष्य, उद्देश्य हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधारक रहे हैं ये हो चुका है। दो क्लासेस मैंने दे चुका हूँ इतिहास पर, एक लास्ट क्लास है इतिहास पर, ये इसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा, फिर व्यवसाय समाज कार्य के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड का यूनिट नंबर एक कवर हो चुका है, उत्तराखंड का यूनिट नंबर एक पूरा डन, और MPPSC का यूनिट नंबर थर्ड तक डन हो चुका है, यूनिट फोर्थ आपका स्टार्ट हो जाएगा
दो तीन दिन बाद। हाँ वो वीडियो देखो, कुछ की वीडियोस बनी हैं उसको मैंने अनलिस्टेड के रूप में रखा है, ठीक है, अभी उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर, क्या चीज़? ओके, एमपी सेट, देखो एमपी सेट की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, मैं आपको बता दूं एमपी सेट के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए एमपी सेट आज अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, 19 जुलाई हो चुकी है, ठीक है, 19 जुलाई, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, वो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें और किसी अदर टॉपिक को आप ना छेड़ें। जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो प्लेलिस्टेड हैं एमपी सेट के लिए मैंने दे रखा है, उसको आप देखें, सीन करें एमपी सेट में। आपको बता दूं कि ये केवल 25 तारीख तक चलेगा, 25 से 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक एमपी सेट के सोशल वर्क के केवल क्वेश्चंस होंगे, एक महीने क्वेश्चंस करे जाएंगे, पर डे क्वेश्चंस होंगे इसका, एमपी सेट का, ठीक है। और यही प्रश्न पत्र मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा जो मैंने अनसॉल्व के रूप में रखा है अपने पास अभी, ठीक है। और आप देख रहे हैं हर प्रश्नों के पीछे मैं जो तर्क दे रहा हूँ ना, ये तर्क जानना जरूरी है, क्योंकि तर्क से ही पता चल पाता है हमें कि कौन क्या है और कौन सा टॉपिक किस चीज़ से है, किससे कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा होता है ना। और इनका जो है पीडीएफ आपको, हालांकि मैंने पहले भी प्रोवाइड करा ही चुका हूँ एक बार, जो जून का जो ग्रुप है उसमें, लेकिन जो नए बच्चे हुए आए हैं अभी उनको शायद नहीं मिली होगी, लेकिन अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको यूनिट एक की पीडीएफ आपको मिल गया है, और पूरा टोटल एक से लेकर 10 तक का यूनिट जो है उसका वीडियो का प्लेलिस्ट भी आपको मिल गया होगा ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 और 4 और 5 की पीडीएफ आज जो है एमपी सेट के ग्रुप में पहुंच जाएगी, ठीक है। ये चार यूनिट की पीडीएफ टेलीग्राम पर आज आपको नाइट में ये भेज दिया जाएगा 12 बजे के आसपास में, ठीक है, ठीक है। और प्रैक्टिस आप लोग वहाँ पे करिए, जो अभी क्लासेस है चल रही है यूजीसी नेट वाली, ये एक घंटा क्लासेस आप लोग कभी छोड़े ना एमपी सेट के स्टूडेंट, ठीक है, करें, क्योंकि समय कम है, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया है शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, उसको देखें आप अच्छे से, उसे आप लोग अच्छे से देखें। RPSC का, ओके ओके ओके, कोई नहीं, वो अभी मैं भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहें। RPSC का मैं एक बार दोबारा से सभी ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, क्वेश्चन। हाँ पेपर अब आपके जो हैं, आप नहीं सुबह वाले में नहीं चल रहे थे, दो क्लासेस में चल रहे हैं जैसे कि अभी मैं बताया आपको, लेकिन अब इसको, अब कल से प्रैक्टिस नहीं होगी, कल से अब थोड़ा सा आपकी क्लासेस चलेंगी। ये दो तीन से तीन चार दिन से मैं चला रहा हूँ, दो तीन रीज़न है, एक तो टेक्निकल इशूज़ के कारण, दूसरी ये कि हमने यूनिट कवर भी कर लिया था, हमने बताया भी था कि हम क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, हमने पहले भी बोल रखा था, ठीक है, इस वजह से हो रहा। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न बंद है, अब टॉपिक करेंगे हम लोग। आज मैंने जो है दो तीन पीडीएफ बना रखा है, बनाया है आप लोगों को, अभी सेंड करूँगा, ऑलरेडी मैंने अभी सेंड किया नहीं है आप लोगों को, अभी मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, इतिहास पे पीडीएफ बनाई गई है सारी सारी। हाँ जी पूछते रहिए, पूछिए। हाँ उत्तराखंड क्या? टेलीग्राम पर आप हैं? टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम आपने चेक किया, वहाँ पे नहीं है? सारा फर्स्ट यूनिट का है, सारा फर्स्ट यूनिट का है, ठीक है, भेज दीजिएगा।
टेलीग्राम पर मेरा नंबर आप लोग तो सेव कर ही रखे होंगे, और अगर नहीं, हाँ अगर वहाँ पे अगर नहीं भी सेव कर रखे तो मेरा बिना नंबर से कैसे निकलेगा? मेरा चैनल थोड़ी है, मैंने मेरे नाम का, मेरे नंबर का तो भाई वही आएगा। चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो रोहन सोशल वर्क रोहन करके अगर आप सर्च करेंगे तो आएगा, सोशल वर्क रोहन। जी सर, टाइमिंग और डेट किस चीज़ की बात कर रहे हैं सर? आपकी आवाज़ अस्पष्ट नहीं आ पा रही है। टाइमिंग वो तो मैं डाल तो रहा हूँ, टाइमिंग तो डाल ही रहा हूँ सर, टाइमिंग रिकॉर्डिंग डेट डाल रहा हूँ। अभी बेसिकली हम कल प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं डाल रहे हैं, बाकी क्लासेस में डालते हैं, प्रैक्टिस में नहीं डालते हैं, टॉपिक में सारा टाइमिंग डालते हैं और डेट डालता हूँ, हर वीडियोज़ में डाल रखा हूँ मैं। वो प्राइवेट हैं, आपको नहीं दिख रही होंगी, आप प्लेलिस्ट से जाएंगे तब तो मिलेगी आपको, वहाँ से जाएंगे आपको तब मिलेगी टाइमिंग डेट वाली वीडियोस। प्लेलिस्ट है ना, वो प्लेलिस्ट में अनलिस्टेड है वीडियो, है ना? हाँ दिसंबर वाले का ग्रुप, हाँ दिसंबर में वो मिलेगा नहीं मैम, वो प्राइवेट हैं। प्राइवेट समझते क्यों नहीं हो? प्राइवेट का मतलब वो शो नहीं होगा, पब्लिक में। अच्छा, यूजीसी नेट दिसंबर 2023। हाँ हाँ मैंने बोला है उसके ग्रुप की जगह मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे रखा है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, वहाँ पे लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पे सर्च मारिए ना, सर्च मारिए टेलीग्राम लिंक, आपको मिल जाएगा, फिर उस पर आप ज्वाइन करिए, है ना? वहाँ पे मैंने सेंड कर रखा है टेलीग्राम। ये कभी कभी व्हाट्सएप में सर्च भी किया करें आप लोग नाम से, टेलीग्राम कहाँ है, लिंक कहाँ है, वो चीज़ें आपको वैसे मिल जाएगा। सर्च करते हो नहीं कभी आप लोग? सर्च किया करो, सर्च करने से आसानी से मिल जाता है। अब आप लोग ढूंढोगे तो कौन स्क्रॉल करना चाहते नहीं आप लोग, स्क्रॉल है कि नहीं, इतना दिमाग लगाते नहीं हो आप लोग, तो इससे बढ़िया सर्च ही कर लो, आसान सी बात है, सर्च करोगे तो ढेर सारा चीज़ आ जाएंगी, है कि नहीं? बताइए कविता मैम, आप मुझे मैसेज कीजिए, नेहा चंद। अच्छा जी ठीक है, कविता मैम मैसेज करिए उन्हें, फॉर मेडिकल सोशल ऑफिसर। चलिए बताइए, ये आपको नहीं मैं बता, वो कोई बच्चा है दूसरा, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही, बताएं। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्लास कल करेंगे टाइम पर, ठीक है ना?